हेलो गाइस, वेलकम टू माय लीगल कोड अगेन। आई एम आशु आर लवानिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का चैप्टर 25, द इमरजेंसी, मतलब कि भारतीय राज व्यवस्था का अध्याय 25, जिसका नाम होगा आपातकालीन व्यवस्था, वो भी वन लाइनर फॉर्म्स में। कॉम्पिटिशन की अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप इंडिया में, तो आपके लिए ये वीडियो है द बेस्ट। आप इस लेक्चर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और गाइज, हमें फॉलो कीजिए दी हुई डिटेल्स पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में पूछूंगा मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस लेक्चर। ओके, तो बिना स्किप किए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक है द इमरजेंसी, मतलब कि आपातकालीन व्यवस्था, तो इसी के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, जो भी सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसे इंडियन या इंडिया की सरकार कहते हैं। तो केंद्र सरकार की यहां पर बात चल रही है। देखिए, केंद्र सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि उत्तरदायित्व होता है कि वो किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य में बाहरी आक्रमण, मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं, बाहरी आक्रमण या उस स्टेट के अंदर कोई आंतरिक कलह, इंटरनल डिस्टरबेंस फैल गया है, तो इन दोनों सिचुएशंस में केंद्र सरकार उस राज्य की रक्षा करेगी। तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 355, ठीक है, अनुच्छेद 355 में है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो है वह देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वह कब करेंगे ऐसा? जब भी देश को एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कि बाह्य आक्रमण, बाहर की तरफ से कोई आक्रमण एंड आर्म्ड रिबेलियन, मान लीजिए देश के अंदर भी या कहीं से भी आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड का मतलब है कि सैन्य विद्रोह, विद वेपन्स, अगर हथियारों को लेकर के आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है, सैनिक विद्रोह हो जाता है देश के अंदर, तो इन दोनों सिचुएशन में भारत के राष्ट्रपति देश में आपातकाल, मतलब कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल आता है इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी में भी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर, देखिए अभी भी जो बात कर रहा था वही है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं देश में, लेकिन किन किन कंडीशंस में? एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, मतलब कि बाह्य आक्रमण, बाहरी कोई आक्रमण हो गया हो बाहर से, और आर्म्ड रिबेलियन, सैनिक विद्रोह, हथियारों के साथ कोई विद्रोह हो गया हो, इन दोनों सिचुएशंस में राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं किन किन सिचुएशंस में, या कितने तरीके की नेशनल इमरजेंसीज लगाई जा सकती हैं देश के अंदर, वो सारा इसमें कवर कर दिया गया है। तो देखिए, दो तो मैंने बताई दिया, एक्सटर्नल एग्रेशन, मान लीजिए बाह्य आक्रमण की बात आ गई हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर इन स्टेट्स, अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा हो, और वहाँ की जो संवैधानिक मशीनरी है काम करने की, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की या सरकार चलाने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, संविधान के अंतर्गत जो सरकार है वो काम नहीं कर पा रही है, वो फेल हो गई है, तो ऐसे में भी इमरजेंसी लग सकती है। और फाइनेंशियल क्राइसिस, देश में अगर वित्तीय आपातकाल आ गया तो भी देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, हालांकि आज तक कभी लगाया नहीं गया है। आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट रूल जो होता है स्टेट में, आर्टिकल 356 और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, इसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे, इनको याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं जब आपातकाल घोषित करते हैं तो वह व्यक्ति के इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स, मतलब के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर देते हैं उस समय के दौरान। लेकिन यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, साइडलाइन में यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एक्सेप्ट 20 एंड 21, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 20 एंड 21 में जो फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि मौलिक अधिकार जो मिले हुए हैं, वह कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इनको छोड़ करके जो आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जाता है, यह राष्ट्रपति के पास पावर किस अनुच्छेद के द्वारा आती है? यह अनुच्छेद है आर्टिकल 359, मतलब कि अनुच्छेद 359। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर, हर कोई जानता है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जाए इसके लिए कौन रिकमेंड करेगा, कौन सलाह देगा? वहां उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 356 वही आ गया, देखिए अनुच्छेद 356 के द्वारा ही यूज करके राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात की गई है आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356, सबसे पहले तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बच्चे तक को आना चाहिए ये, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, आजकल जो जनरली सब लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में लगाया जाता है, इसके बारे में कहता है। लेकिन इसको लगाने के लिए जो मेन पॉइंट्स क्या क्या, मतलब इसके
जो मेन नीड जो होती हैं इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और संवैधानिक जो दायरे से जो कानून व्यवस्था चल रही है वह बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, या वहाँ की सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट या वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, संवैधानिक दायरे में रहते हुए शासन को नहीं चला पा रही है, तो ये सबसे पहली चीज़ होती है राष्ट्रपति शासन के लिए रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी तरीके से राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा दिया गया है, मतलब कि वहाँ की चुनी हुई सरकार को इस बिहाफ पर कि वह शासन को चला नहीं पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रही है, संवैधानिक दायरों से बाहर हटकर के काम कर रही है, तो इसको चैलेंज भी किया जा सकता है उच्चतम न्यायालय में। उसका रीजन क्या है कि कई बार ऐसा होता रहा है पीछे भी और आगे भी हो सकता है कि केंद्र सरकारें जो होती हैं वो अपने पावर को यूज करती हुई अगर किसी भी राज्य में उनकी अपोजिट सरकार बन गई तो किसी भी तरीके से ये शो कर देती हैं कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है और चुनी ही सरकार को ध्वस्त कर देती हैं और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देती हैं। तो इस चीज़ से बचाए जाने के लिए, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए यह उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह उसकी वैधता, लीगैलिटी, वैधता को जांच कर सकती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना सही है या गलत। नेक्स्ट देखिए, अगर प्रेसिडेंट रूल का अप्रूवल हो चुका है, मतलब आई मीन टू से डिक्लेरेशन हो चुका है किसी भी राज्य में इसके ब्याप पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ऐसे में वह जो भी प्रस्ताव है 2 महीने के अंदर अंदर संसद में पारित हो जाना चाहिए, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से इमरजेंसी लगा दी गई किसी भी स्टेट में, तो वह 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर टाइम लिमिट होती है कि वह पास हो जाना चाहिए पार्लियामेंट में। वही देखिए, अगले पॉइंट में भी वही है, तो आगे स्किप करते हैं। देखिए, के एम नाम्बियार एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर कही है और बहुत ही बड़े लीडर थे, उन्होंने एक बात कही थी, द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति शासन की जो पावर दी गई है प्रेसिडेंट को वह संविधान के साथ एक तरीके का फ्रॉड है, धोखेबाजी है, ठीक है। किस तरीके से, जो मैंने अभी समझाया था आप उसको बैठ करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ वही हाल हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इश्यूड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolutions of both the houses of the parliament. देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी एक तरीके की आपातकालीन व्यवस्था है जो अनुच्छेद 360 में दी गई है, ठीक है। अगर इसको संसद में दोनों सदनों में पास नहीं किया गया 2 महीनों के अंदर अंदर, तो ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर यह बात भी याद रखिएगा कि आज तक आर्टिकल 360 मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में कभी लागू नहीं हुई है, ठीक है। और देखिए आगे, हमारे देश में भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने तरीके के आपातकाल की बात की गई है, 3, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन मतलब जो राज्यों में लगाई जाती है उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, और वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है, देखिए सीधी सीधी बात है, जब तक ये आपातकाल खत्म नहीं हो जाता तब तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए, जैसे ही वो 1 साल खत्म होगा तो फिर बढ़ा सकते हैं अगर आपातकाल खत्म नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन जो होता है उसे कितने टाइम तक बढ़ाया जा सकता है, उसे मैक्सिमम या अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 6-6 महीने करके, ठीक है, 6 months ऐसे करके 6-6 महीने करके 6 बार, लेकिन तब तक होता क्या है कि इस दौरान इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली बार में ही ज़्यादातर प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के अंदर ही खत्म हो जाता है, इलेक्शंस करा दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है 6-6 महीने करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 356 जैसे कि राष्ट्रपति शासन कहते हैं, भारत में सबसे पहले कहाँ लगाया गया, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट में पेप्सू बोलते हैं, पंजाब एंड पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए, इमरजेंसी के दौरान किसी भी राज्य की विधानसभा का टर्म जो है उसको कैसे बढ़ाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ाया जाता है। और देखिए, जब भी पार्लियामेंट आए तो ऑलवेज रिमेंबर पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ 3 ऑर्गन्स, दैट इज लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री।
तो इन तीनों पे जो सिस्टमेटिक फॉर्म में पास होते हुए रेजोल्यूशन जाते हैं इसको कहते हैं पार्लियामेंट। तो ध्यान रखिएगा किसी भी राज्य की विधानसभा को इमरजेंसी के दौरान उसका कार्यकाल या टर्म बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आज का लेक्चर और टाइम आ गया है क्वेश्चन ऑफ द सेशन का। अगर आपने वीडियो पूरा अच्छे से देखा होगा तो क्वेश्चन आज का यहाँ पर है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 जो मैंने अभी बताया था राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है उसे लगाने के लिए उसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, किन किन कंडीशंस में उन्हें लगाया जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बॉक्स में दीजिए करेक्ट आंसर। तो ये था आज का टॉपिक, अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक वीडियोस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।